जिला कलेक्टर त्वरित निर्माणाधीन छात्रावास की दीवारों को गिरा अच्छी गुणवत्ता निर्माण के दिए आदेश एवं विभागीय जांच अनुसार संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार पे होगी सख्त कार्रवाई। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी। मामले में कोंडा गांव जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी जिलाध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेंद्र नेताम एवं बस्तर जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र भवानी ने दो हफ्ता जिला प्रशासन के जवाब नहीं के बाद फिर आवाज की है बुलंद। घटिया निर्माण कार्यों पर जिला कोंडागांव के जिलाधिकारी संघ भेंट कर तमाम मामले में तीखी चर्चा करते हुए विशेष बातों पर आदेश जारी करने के लिए निवेदन किया है। त्वरित निर्माण कार्य को रोका जाए कहते ही जिला कलेक्टर ने अधिकारी से फोन पर चर्चा कर दीवारों को गिरा के अच्छी गुणवत्ता का होगा निर्माण का आदेश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी समिति व ठेकेदार पे होगी सख्ती से कार्रवाई। वहीं श्री नरेंद्र नेताम ने कहा कि आप स्वयं निरीक्षण करने के बाद भी आपके आदेश लोक निर्माण विभाग ने पालन नहीं किया, जबकि हमने रात 10 बजे तक धरना देके लोक निर्माण विभाग को इस घटिया निर्माण के कार्य को रोकने का निवेदन किया, बावजूद अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, उल्टा कहा कि जिला प्रशासन ने कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो इसका जवाब आगामी विधानसभा सत्र में सभी अधिकारियों को जवाब देना होगा, और जबकि यह ठेकेदार का गुणवत्ता विहीन निर्माण हर ठेके में होता है, बावजूद इसके रहमी क्यों कहने पर जिलाधिकारी ने त्वरित ठेकेदार पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मांगे सुनी है। आप देखते हैं कि कहां तक जिला प्रशासन इस विषय को कितनी गंभीरता से लेता है, नहीं तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन हेतु जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी स्वतंत्र होगी। जहां उपस्थित नरेंद्र नेताम जिलाध्यक्ष कोंडागांव, नरेंद्र भवानी बस्तर जिलाध्यक्ष छवि लाल नेताम, विनोद सोरी, भारत कौशिक, अन्य कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। आज से तीन हफ्ता पहले लगभग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी के कोंडागांव जिलाध्यक्ष नरेंद्र नेताम जी के नेतृत्व में 250 सीटर छात्रावास जो कोंडागांव जिले में निर्माण हो रहा है, यह गुणवत्ता है निर्माण हो रहा है। हम लोग पार्टी के साथ निरीक्षण करके गए थे और जहां पे दीवारें तो ईंट हाथ से ही निकल जा रही है। इसमें कार्रवाई करने हेतु मुख्य कार्यपालन अभियंता को हम लोग ज्ञापन दिए थे लोक निर्माण विभाग में, जिलाधिकारी को भी दिए थे हम लोग, लेकिन कलेक्टर साहब से मुलाकात हो नहीं पा रही थी, जिसके तहत हम लोग जो आंदोलन बन पड़ता था किए थे। इतना घटिया निर्माण था कि हम लोग स्वयं जाके काम को रुकवाए थे, दीवार तक हाथ से तोड़ डाले थे, और आज सौभाग्य बोलूं मैं कि माननीय जिलाधिकारी से आज हमारी मुलाकात हुई, और जब मैं उनसे चर्चा किया कि मांग को लेकर के गुणवत्ताहीन कार्य को आप खुद निरीक्षण किए थे, निरीक्षण के बाद आदेश जारी किए थे कि काम का निर्माण कार्य निर्माण जो है वो रुकना चाहिए, लेकिन आपका आदेश का कोई भी बात को माना नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका आदेश का सिर्फ कानापूर्ति था, तो वे तुरंत काम को बंद कराने का आदेश को दिए हैं और मुझे आश्वासन दिए हैं कि ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी से हमने उनसे कहा भी कि अगले विधानसभा सत्र में हम लोग ध्यानाकर्षण प्रश्न अंकित करवा दिए हैं, अगर आप कार्रवाई नहीं भी करते हैं तो सदन तक का भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों के साथ गलत होने नहीं देंगे, ये घटिया निर्माण को हम लोग कार्य करने नहीं देंगे। कलेक्टर साहब का कहना है कि आज ही हम इस कार्य को रुकवा के ऊपर की सारी दीवारें गिरवा के पुनः नया दीवार को बनाएंगे। अब देखते हैं कहां तक जिला प्रशासन इस कार्य को करता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।